Good morning, class 5th. From today, we are starting our classes from this online platform. So, let's start. Our today's topic is word formation. Yes, the topic number 1 is word formation. We start from suffix. So, जैसा कि आपको दिख रहा है, शब्दों के अंत में शब्दांशों को जोड़ने पर मूल शब्दों का अर्थ बदल जाता है. इस प्रकार से शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं. शब्द के अंत में इस प्रकार से जुड़े शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं. वर्ड के लास्ट में अगर हम कोई वर्ड जोड़कर उससे न्यू वर्ड बनाते हैं तो उसको सफिक्स कहते हैं. और ऐसे ही वर्ड के फर्स्ट में अगर हम कोई वर्ड जोड़ते हैं तो उसको प्रीफिक्स कहते हैं. आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, प्री. प्री का मतलब होता है पहले. तो वर्ड के पहले अगर कोई वर्ड जुड़ेगा तो उसको हम प्रीफिक्स कहेंगे, और अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में कोई वर्ड जुड़ेगा तो हम उसको सफिक्स कहेंगे. तो अगर वर्ड के पहले या लास्ट में कोई वर्ड जुड़ता है और उससे वर्ड में चेंज आता है तो उसको उससे न्यू वर्ड हम बना सकते हैं. जैसे कि हम एग्जांपल्स में देखेंगे, बी ए डी, बैड. बैड मीन्स बुरा. बट अगर उसके लास्ट में हम एल वाई लगाएंगे, ये एल वाई क्या है, सफिक्स. बैड तो है वर्ड, बी ए डी, बैड. आपको मीनिंग पता होगा, बैड मीन्स बुरा. एंड इसके साथ अगर हम एल वाई जुड़ेंगे तो ये नया वर्ड बन जाएगा, बैडली. बैडली मीन्स बुरी तरह से. फॉर एग्जाम्पल, नीचे कुछ और सफिक्स से नए वर्ड्स दिए जा रहे हैं. आप इनको ध्यान से देखिएगा और सीखने की कोशिश करिएगा मेरे साथ साथ. देखिए, सफिक्स के साथ एल वाई जुड़ सकता है. किसी भी वर्ड के साथ देखिए कौन कौन से सफिक्स जुड़ सकते हैं और उससे नए वर्ड्स बना सकते हैं हम. एल वाई, एन ई एस, एम ई एन टी, इन वर्ड्स को जोड़ के हम नए वर्ड्स बना सकते हैं. जैसे देखिए, नाउन में एल वाई जोड़कर शब्द में कुछ परिवर्तन, जैसे कुछ चेंजेस करके हम नए वर्ड्स बनाते हैं, एडवर्ब्स बनाते हैं. देखिए, पेशेंट का मीनिंग क्या होता है, पी ए टी आई ई एन टी, पेशेंट. पेशेंट का दैट मीन्स रोगी. बट अगर आप इसके पीछे एल वाई जोड़ देंगे, ये सफिक्स अगर हम इसके साथ जोड़ देंगे, पी ए टी आई ई एन टी एल वाई, पेशेंटली, तो इसका मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा. देखिए, इसका क्या मीनिंग हो गया, धैर्य पूर्वक. जबकि पेशेंट का मीनिंग क्या होता है, रोगी. बट सिर्फ उसके पीछे अगर हमने एक सफिक्स जोड़ दिया तो उसका मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो गया. तो इसी तरह हम नए नए सेंटेंस, नए नए वर्ड्स बना सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, सी ओ एस टी, कोस्ट. कोस्ट का मतलब होता है कीमत. बट अगर इसके साथ हम सफिक्स एल वाई को ऐड कर देंगे तो देखिए इसका मीनिंग क्या बन गया, सी ओ एस टी एल वाई, कोस्टली. कोस्टली मीन्स कीमती. नेक्स्ट वन देखिए, एडजेक्टिव के लास्ट में अगर एल वाई जोड़ेंगे तो उससे नया एडवर्ब बनेगा. फॉर एग्जाम्पल देखिए, एम आई एल डी, माइल्ड. माइल्ड का मीन्स क्या होता है, नर्म. बट इसके साथ अगर हम सफिक्स एल वाई को जोड़ देंगे तो फिर इसका एम आई एल डी एल वाई, माइल्डली मीन्स नम्रता से. नेक्स्ट वन देखिए, एस टी आर ओ एन जी, स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत. बट इसके साथ अगर हम सफिक्स एल वाई जोड़ेंगे तो क्या वर्ड बनेगा, एस टी आर ओ एन जी एल वाई, स्ट्रॉन्गली. स्ट्रॉन्गली मीन्स मजबूती. नेक्स्ट वन देखिए, यदि किसी वर्ड के लास्ट में वाई हो और वाई के फर्स्ट वर्ड में किसी भी शब्द को जोड़ने से वाई को आई में बदल देते हैं. देखिए आप एग्जांपल इसका, आर ई ए डी वाई, रेडी मीन्स तैयार. बट इसके साथ अगर हम सफिक्स एल वाई जोड़ेंगे तो ये वर्ड कैसे चेंज हो जाएगा, आर ई ए डी आई एल वाई, रेडिली. रेडिली मीन्स तुरंत ही. नेक्स्ट वन, ई ए एस वाई, ईजी. ईजी के साथ अगर हम सफिक्स एल वाई ऐड करेंगे तो ये वर्ड बन जाएगा ई ए एस आई एल वाई, ईजीली. नेक्स्ट वन, इसी तरह से एडजेक्टिव के लास्ट में नेस जोड़ने से कौन से वर्ड्स बनते हैं, जो हम एग्जांपल्स में अच्छे से समझ सकते हैं. बी आर आई जी एच टी, ब्राइट. ब्राइट मीन्स स्पष्ट. पर इसी के साथ अगर आप नेस, एन ई डबल एस, नेस सफिक्स को ऐड करेंगे तो ये वर्ड, न्यू वर्ड हमें क्या मिलेगा, बी आर आई जी एच टी एन ई डबल एस, डबल एस, ब्राइटनेस. ब्राइटनेस मीन्स चमकदार. नेक्स्ट वन देखिए, सी एल ई ए आर, क्लियर. क्लियर के साथ अगर आप नेस सफिक्स ऐड करेंगे तो ये वर्ड बनेगा सी एल ई ए आर एन ई डबल एस, क्लियरनेस. क्लियरनेस मीन्स स्पष्टता. नेक्स्ट वन, एफ आर ई एस एच, फ्रेश. फ्रेश मीन्स
ताज़ा, और इसके साथ आप एन ई डबल एस नेट सफिक्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास न्यू वर्ड क्या आएगा, एफ आर ई एस एच एन ई डबल एस, फ्रेशनेस, फ्रेशनेस दैट मीन्स ताजगी। नेक्स्ट वन ई एम पी टी वाई, एम्प्टी, एम्प्टी दैट मीन्स खाली, एंड वी एड नेस सफिक्स एंड न्यू वर्ड इज ई एम पी टी आई एन ई डबल एस, एम्प्टीनेस मीन्स खालीपन। नेक्स्ट वन वर्ब के साथ मेंट जोड़कर नाउन वर्ड को हम नाउन वर्ड बनेगा, लेट सी एग्जाम्पल्स, ए डबल पी ओ आई एन टी अपॉइंटमेंट वर्ड दैट मीन्स नियुक्त, इसी के साथ आप एम ई एन टी मैंट सफिक्स को ऐड करेंगे तो हमारा न्यू वर्ड क्या बनेगा, ए डबल पी ओ आई एन टी एम ई एन टी अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट मीन्स नियुक्ति। नेक्स्ट वर्ड इज ई एम पी एल ओ वाई, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मीन्स रोजगार देना, और इसी के साथ आप एम ई एन टी मैन सफिक्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास न्यू वर्ड क्या आएगा, ई एम पी ओ वाई एम ई एन टी एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट दैट मीन्स रोजगार। न्यू वर्ड बनेगा ई एम पी एल ओ वाई एम ई एन टी। देखिए स्टूडेंट्स, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसको रॉन्ग नहीं लर्न करना है आपको, इसमें एल मिसिंग है, यहाँ पर आप एल ऐड करके इस स्पेलिंग को करेक्ट कीजिएगा। सो हमारा टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है, कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि जितने भी वर्ड्स मैंने आज आपको सिखाए हैं आप उनको अच्छे से रीड करेंगे, आपके पास बुक होगी घर पे तो आप अच्छे से उन सारे वर्ड्स को रीड कीजिएगा, नए नए वर्ड्स बनाइएगा, इससे आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी। और आपका होमवर्क ये है कि इसी लेसन के लास्ट में आपके टू एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज वन और एक्सरसाइज टू, वो दोनों एक्सरसाइज आपको खुद सेल्फ करनी है, एक नोटबुक बनाइएगा इंग्लिश सब्जेक्ट की और उसमें चैप्टर नंबर डालकर, आज की डेट डालकर और होमवर्क डालकर आपको इसी लेसन का ये होमवर्क आपको अच्छे से करना है और सारे वर्ड्स आपको अच्छे से लर्न करने हैं और प्रैक्टिस करने हैं। कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर टू। थैंक यू। हमारा फर्स्ट टॉपिक है नंबर्स। आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स नेम्स क्या होते हैं, उन्हें एक्सटेंड फॉर्म में लिखना, शॉर्ट फॉर्म में लिखना, वर्ड्स को डिजिट में लिखना, डिजिट को वर्ड्स में लिखना, है ना। तो वही हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलेंगे और मैं आपको थोड़ा सा उसको पहले समझा देती हूँ, फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो आप लोग नंबर्स नेम तो अच्छे से जानते हैं, वन से लेके हंड्रेड तक, थाउजेंड, लैक तक हम लोग पढ़ चुके थे क्लास फोर में। तो आगे फिर हम लोग थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे और समझेंगे कि कैसे होता है। तो मैं आपको थोड़ी सी प्लेस वैल्यू बता देती हूँ कि कैसे होती है। जैसे हम किसी डिजिट को पढ़ते हैं तो जैसे कि सिंगल डिजिट है इसको हम लोग पढ़ेंगे वन, ठीक है। तो ये प्लेस कौन सा होगा इसका, वन। अगर इसी के आगे मैं इसके आगे टू लगा दूँ, इसे हम कैसे रीड करते हैं, ट्वेंटी वन। तो वो क्या है, इसका प्लेस कौन सा होगा, ये हो गया वन, ये हो गया इसका प्लेस टेंस। अगर इसी के आगे अगर एक डिजिट ऑन लग जाए तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, हंड्रेड, ये प्लेस हो गया इसका हंड्रेड, तो इसे कैसे रीड करते हैं हम लोग, थ्री हंड्रेड ट्वेंटी वन। तो ऐसे ऐसे अगर डिजिट इसके आगे एक और डिजिट बढ़ती जाए तो हम लोग का उसका प्लेस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। तो हम लोग इसके आगे अगर कोई भी डिजिट लिख लिया जैसे फाइव लिख लिया, ये कौन सा प्लेस हो गया, काउंट कीजिए वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड। तो थाउजेंड में कौन सा प्लेस हो गया इसका, फोर डिजिट आ गई, है ना। तो इसको कैसे रीड करेंगे, 5321। तो अब इसके बाद एक देखिए, इसमें एक सेट बनता है, ये थ्री का सेट बनता है। उसके बाद में जैसे जैसे हम लोग डिजिट इंक्रीज करते जाते हैं, जैसे इसके आगे मैंने एट लिखा, तो अब ये दोनों एक साथ रीड किया लेंगे और कैसे बोलेंगे इसको, 85321। तो इसका प्लेस कौन सा हो गया, 10,000 का प्लेस। तो ये हम लोग एक एक डिजिट इंक्रीज होती जाती है और हम लोग उसका प्लेस आगे बढ़ाते रहते हैं। अब इसके आगे और अगर हमें बढ़ाना है, जैसे फिर से हमने सेवन ले लिया, इसका प्लेस कौन सा हो जाएगा, लैग। इसके आगे अगर एक और डिजिट लिखी तो हो गया टेन लैग। ऐसे करते जाते हैं हम लोग और आप डिजिट बढ़ती जाती है। इसको कैसे रीड करेंगे, जैसे इसमें सेट बनता है पहले थ्री डिजिट का, फिर टू टू डिजिट के सेट बनता है ना। तो इसको कैसे रीड करेंगे, 17,85,321। तो वही चीज हमारे यहाँ एक्सरसाइज में आई है। अब जो हमने बोला है उसको लिखना भी आना चाहिए और जो वर्ड्स में लिखा होगा उसको डिजिट में भी लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आप देखिए इस तरफ,
फर्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, राइट इन अ वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है 1000 750 अब देखिए इसमें सेट कैसे बन रहा है 1000 प्लेस आ रहा है हमारा 1000 का और फिर आ रहा है 750 तो इसे हम कैसे लिखेंगे 1000 है तो हमें पता चल रहा है कि 1000 है तो 4 डिजिट आ गए तो 4 डिजिट का आंसर आना चाहिए कैसे लिख सकते हैं हम लोग 1700 700 को 700 में बना लिया आप लोग मोस्टली क्या करते हो 700 लिखा तो 700 लिख देंगे ऐसा नहीं है 7 कौन सी पोजीशन पे 100 पोजीशन पे 7 तो 7 के आगे 100 पोजीशन पे अब 10s और 1s की पोजीशन पे कितना आ रहा है 50 कैसे लिखेंगे हम लोग ऐसे ठीक है आप लोग जनरली क्या करते हो 1000 लिखा तो 1000 बना दोगे 700 लिखा तो 700 बना दोगे 50 लिखा तो 50 तो ये तो प्लेस कितना बढ़ गया तो ये ऐसे नहीं करना है ठीक है ये रॉन्ग है तो आप लोग को क्या करना है कैसे लिखा है 1000 तो 1000 की प्लेस पे वन आ गया 700 है तो 100 की प्लेस पे कौन आया 7 और 50 की जगह क्या आ जाएगा 50 तो इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं 1750 तो ये इसका आंसर होगा ठीक है इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको मैं उसके बाद जो बचेंगे थर्ड फ्लोर पे वो आपको अपनी नोटबुक में करना है ठीक है नेक्स्ट ले लेती हूँ मैं 70000 ठीक है तो ये भी सेम वैसे ही 70000 अब 70 में कितना आता है 70 तो हमें पता चल रहा है इसमें 10000 का प्लेस है ना तो कैसे लेंगे हम लोग 70000 फिर 100 की पोजीशन पे कौन है 6 और 45 तो कैसे पता चल रहा है 70 से पता चल रहा है ना 70 में 70 आता है ठीक है तो 70 क्या हो गया 10000 की प्लेस पे हो गया फिर आता है 600 100 के प्लेस में कौन आ गया 6 और फिर आया हमारा 45 ऐसे आ गया हमारा 45 तो ये क्या बन गया काउंट कीजिए 100 1000 10000 तो बन गया 70645 ये हमारे हो गए ये राइट इन अ वर्ड्स के क्वेश्चंस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोग करेंगे अपने नोटबुक में हम लोग इस बार सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसा ही है वो राइट इन अ वर्ड्स में लिखना उसको डिजिट दी होगी आपको उसको वर्ड्स में लिखना सॉरी क्वेश्चन राइट ना डिजिट ना ये क्वेश्चन हमारा सॉरी ये क्वेश्चन हमारा राइट ना डिजिट था अब हम उसे राइट ना वर्ड्स में करेंगे इरेज कर रही हूँ इसको आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ मैं 20000 24056 कैसे पता चल रहा है 24000 है इसको रीड करिए पहले काउंट कीजिए 1s 10s 100000 10000 10000 मैंने बताया था सेट बनेगा तो ये दो एक साथ रीड होंगे 24000 इसको एक साथ लिखेंगे और बाकी का ये एक साथ पढ़ा जाए ठीक है तो 24000 कैसे लिखेंगे लिखिए अब 100 की प्लेस पे क्या है 0 तो 100 का प्लेस हम लोग छोड़ देंगे और डाइट क्या रीड करेंगे हम लोग 56 तो लिख लीजिए 56 ठीक है ये क्या बना हमारा 24056 ठीक है तो ये आप लोग छोटी क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं तो आप लोगों के लिए इजी होगा इतना मेरे को नहीं लगता कि आप लोग टफ लग रहा होगा आप लोगों को लेकिन फिर भी हमें ये समझना बहुत अच्छे से जरूरी है कि कैसे हम लोग उसको डिजिट में वर्ड्स लिखते हैं और वर्ड्स को डिजिट में लिखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं थर्ड 10000 में कैसे रीड किया जाता है 99999 बस इसे लिखना है हमें
फर्स्ट क्वेश्चन था राइट इन अ डिजिट था, तो हम लोगों को वर्ड्स में दे रखा होगा तो डिजिट में लिखना है, और ये था हमारा राइट इन अ वर्ड्स में लिखना है तो डिजिट दे रखे होते इससे हमें वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम EVS का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फैमिली एंड रिलेशन। सबसे पहले हम इस टर्म को समझेंगे, फैमिली। हम अपने घर में अपने मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, ताई जी ताऊ जी सबके साथ रहते हैं, तो वो हमारी फैमिली है, वो हमारे सारे फैमिली मेम्बर है, और उन सबके साथ हमारा रिलेशन है। जैसे पापा है, पापा के पापा को हम ग्रैंड फादर बोलेंगे, पापा के मदर को हम ग्रैंड मदर बोलेंगे, पापा के भाई है तो उनको हम अंकल बोलेंगे, पापा के भाई की वाइफ है तो उसे हम आंट बोलेंगे, उनके बच्चे हैं तो उनको हम कजिन्स बोलेंगे, तो उनके साथ हमारा रिलेशन है। आगे हम इसको देखेंगे। श्वेता एंड रश्मि स्टडी इन द सेम स्कूल। दो गर्ल्स है जो एक सेम स्कूल में पढ़ती है, तो वो उनका कन्वर्सेशन है इसमें। वन डे श्वेता वाज फीलिंग सेड। एक दिन श्वेता अच्छा फील नहीं कर रही थी। रश्मि अस्क्ड हर व्हाई आर यू सो सेड टुडे। रश्मि ने पूछा आज तुम इतनी दुखी क्यों हो। श्वेता रिप्लाइड माय सिस्टर इज इल। श्वेता ने कहा मेरी सिस्टर आज बीमार है। रश्मि सेड डोंट वरी श्वेता, वी शैल टॉक अबाउट दिस मैटर इन डिटेल ड्यूरिंग द रेसेस आवर। श्वेता ने कहा तुम चिंता मत करो, हम इस बारे में जब हमारा इंटरवल होगा, जब रेसेस टाइम होगा, तब उस टाइम हम इस बारे में बात करेंगे। योर सिस्टर विल बी फाइन सून। तुम्हारी सिस्टर जल्दी ठीक हो जाएगी। इन द रेसेस आवर, रेसेस आवर जब होता है तो उन दोनों का पूरा कन्वर्सेशन होता है। रश्मि सैड यस श्वेता टेल मी वॉट हैपन टू योर सिस्टर। रश्मि कहती है अब बताओ तुम्हारी सिस्टर के साथ क्या हुआ है। श्वेता सैड सी इज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर सिंस यस्टरडे। वो कल से बहुत बीमार है। रश्मि सेड डिड यू फैमिली कॉल द डॉक्टर। तुम्हारी फैमिली ने डॉक्टर को बुलाया है। श्वेता यस डॉक्टर हैज़ गिवन हर सम मेडिसिन। माई मदर एंड फादर एंड ऑल्सो माई चाचा जी आर टेकिंग केयर ऑफ हर। यस मेरे फैमिली ने उनको बुलाया है और उन्होंने कुछ मेडिसिन दी है। मेरे मम्मी पापा और मेरे चाचा जी उसकी देखभाल कर रहे हैं। रश्मि देन वाई आर यू वरीड, ऑल आर देयर इन योर फैमिली। तो फिर तुम्हें चिंता किस बात की, तुम्हारी फैमिली में सभी तो है घर पर। श्वेता यस माई ऑल फैमिली मेम्बर्स लाइव टूगेदर इन माई फैमिली। देर आर ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंट, चाचा जी, चाची जी, बुआ जी एंड माई कजिन्स। ऑल ऑफ अस लिव टूगेदर, ours इज अ जॉइंट फैमिली। तो वो कहती है मेरी फैमिली में सब साथ ही में रहते हैं, मेरे दादाजी, मेरी दादी, मेरे अंकल, मेरे आंटी जी, मेरे बुआ जी, ताऊ जी, ताई जी और मेरे कजिन्स सारे एक साथ रहते हैं, हम सबकी एक जॉइंट फैमिली है। रश्मि सैड यू डोंट वरी, ऑल वुड बी टेक केयर ऑफ योर सिस्टर वेरी वेल इन योर फैमिली। तो तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी, तुम चिंता मत करो, वो सभी उसकी देखभाल करेंगे। सो शी विल बी फाइन विद इन 2 or 3 days, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी 2 or 3 दिन में। इन माई फैमिली यू हैव ओनली माई फादर, मदर एंड अ यंगर ब्रदर। मेरी फैमिली में तो सिर्फ मेरे पापा है, मेरी मम्मी है और यंगर ब्रदर और एक मेरा छोटा भाई है। माई फैमिली इज़ ए न्यूक्लियर फैमिली। रश्मि कहती है कि मेरी फैमिली तो न्यूक्लियर फैमिली, मेरी फैमिली में सिर्फ मेरे मदर, फादर और मेरा एक ब्रदर है, तो हमारी एक छोटी सी फैमिली है। तो हम फैमिली के 2 types होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में हम मम्मी पापा और अपने भाई बहन के साथ रहते हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली में हम दादा दादी, अंकल, आंट, बुआ, उनके कजिन सबके साथ रहते हो, तो वो बड़ी फैमिली होती है, तो उसको हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। ड्रॉ फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। ये टेबल है तो इसके अंदर जॉइंट फैमिली है या फिर न्यूक्लियर फैमिली है, लेकिन ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ताऊ जी, ताई जी, अगर ये सब है आपके घर में तो इन सबके आपको यहाँ पर नाम लिखने और ये टेबल आपको अपनी नोटबुक में बनानी है। लास्ट ईयर यू लर्न अबाउट न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। इन ए न्यूक्लियर फैमिली देर आर ओनली पेरेंट्स हु ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन, वाइल इन ए जॉइंट फैमिली ऑल द फैमिली मेम्बर्स कॉपरेट विद ईच अदर इन दिस रिगार्ड्स। लास्ट ईयर आपने क्लास 4th में पढ़ा होगा न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बारे में, कि न्यूक्लियर फैमिली में ओनली पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों के साथ रहते हैं, और जॉइंट फैमिली में हम दादा दादी, अंकल, आंट सभी के साथ रहते हैं, तो हम सभी एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ये एक्सप्लोर एंड राइट डाउन ये एक्टिविटीज़ है, अगर आप चाहें तो इसको अपने घर पर कर सकते हैं। ये फैमिली ट्री है, ये आपको अपनी नोटबुक में बनाना है
आपको इसी तरह से अपने नोटबुक में बनाना है और अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के नाम लिखकर इसको पूरा इसी तरह से शो करना है। इस क्लास को हम आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।